नमस्ते, आई एम सुनंदा शेट्टी। वेलकम बैक टू माय चैनल सूरज शॉर्ट एंड एकेडमी। आज का वीडियो में आपने कमेंट बॉक्स में जो क्वेश्चन पूछा था उसका सॉल्यूशन मैं आज बताना चाहती हूँ। और आपने कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बताया, ये बहुत खुशी हो गया। इसका मतलब आपने अच्छा से प्रैक्टिस कर रहे। आइंदा कोई भी वर्ड्स आपको डिफिकल्टी लगा जरूर आपने लिख के भेजिए, फिर मैं आपका डाउट को सॉल्व करूंगी। फर्स्ट डाउट विद्या एस का 3 क्वेश्चंस था। फर्स्ट वाला प्लेसिंग ऑफ वोवेल फॉर के के बारे में मैं एक्सप्लेन करूंगी। जब ये के सिंगल स्ट्रोक्स था तभी किसी को डाउट नहीं था क्योंकि ओनली ऑन द लाइन था। बाद में ज्वाइंट स्ट्रोक का भी आ गया तभी भी लोग पूछने लगा ये ऐसा क्यों लिखने का, नहीं लिखने का, ये गलत है। ओनली वन सिंगल है तो ऑन द लाइन आएगा, दो सिंगल है तो अपने आप ऊपर जाएगा। के डी, के एल, के एम, ये हॉरिजॉन्टल है। के एन, के टी, समझा। जॉइंट स्ट्रोक में भी किसी को डाउट नहीं आया। अभी आ गया डाउट वॉवेल्स में। वॉवेल्स में क्या होता है, फर्स्ट प्लेस वॉवेल, सेकंड प्लेस वॉवेल, सबको इजी है, किसी को डाउट नहीं आता है। थर्ड प्लेस वॉवेल में मैं सिखाने के टाइम ही याद दिलाया था, स्पेलिंग देखना नहीं है, साउंड देखना है करके। फॉर एग्जाम्पल का फर्स्ट प्लेस था, एबो द लाइन लिखा, के सेकंड प्लेस आ गया, की थर्ड प्लेस आ गया। इधर हमने क्या किया, का को एबो द लाइन लिया, के को ऑन द लाइन लिया, की को थर्ड प्लेस लिया, थ्रू द लाइन नहीं लिया। हॉरिजॉन्टल है तो भी थ्रू द लाइन नहीं लिया। थ्रू द लाइन कभी लिया, देखिए अभी फर्स्ट क्या साउंड बताती है, कैन, कैम, कैप, कैच, कैट, ये सब कैसा है, दोनों स्ट्रोक्स एबो द लाइन है। और वन स्ट्रोक है तो का साउंड के लिए एबो द लाइन ही लिखना है, सेकंड प्लेस वाला ऑन द लाइन ही लिखना है, थर्ड प्लेस वाला थ्रू द लाइन नहीं लिखा है, ऑन द लाइन में थर्ड प्लेस में डॉट दे दिया, समझा। और बाद में जब वॉवल स्टार्ट हो गया, अभी कैन आ गया, कान आ गया, जो भी है एबो द लाइन, कैम आ गया, पहले सीखा था हमने कैम, कैन है, कैन ऐसा लिखता है, काम है तो ऐसा लिखता है, यम इधर नहीं आएगा। और क्या अभी पी ज्वाइंट कहाँ करना है, क्या इज एबो द लाइन, पी ऑल्सो के का एंड में ही आएगा, पी नीचे नहीं आ सकता है, ये गलत है। अगर थ्रू द लाइन लिखा, फर्स्ट प्लेस में ओवेल दिया, पढ़ नहीं सकते है क्योंकि ये वर्ड भी हमको है, कभी कीप लिखने का टाइम, कीप लिखने का टाइम ऑटोमेटिकली पी विल कम थ्रू द लाइन, और ये स्ट्रोक के लिए अबो द लाइन ही रहेगा। शुरुआत में क्या है, क्या, देन डी ज्वाइंट किया। ऐसे और भी वर्ड है, अभी कूड़ है तो 6 ओवेल्स है ना, डॉट भी आएगा, डैश भी आएगा, कोड है तो ऐसा, गेट है तो ऐसा, आपका क्वेश्चन था ऐसा क्यों नहीं लिखने का, समझा। ये मैं तो समझ गई आपका डाउट्स क्या है, ऐसा क्यों नहीं लिखने का, ये गलत है। गेट है तो ऊपर, हेड है तो ऊपर, कैच है तो है बोदल, कैच है तो, कैप तो दिखाया मैं, इधर दिखाया। ऐसे और भी वर्ड्स है, केक आ गया, केक में डबल के लिखेगा, सेकेंड प्लेस वॉवेल है करके ऑन द लाइन है, इसमें थ्रू द लाइन का सवाल ही नहीं आता है। केम के लिए दिस ऑल्सो सेकेंड प्लेस, इसमें भी क्लियर है, डाउट्स नहीं है। और सेकेंड प्लेस में बहुत वर्ड्स है, गेट है, हाँ आपने पूछा गेट क्यों नहीं लिखने का, ऐसा ये गलत है क्योंकि ये साउंड इज इधर ऑन द लाइन में कवर हो जाएगा, सेकेंड स्ट्रोक्स क्या ही कवर होना चाहिए गेट को। और वर्ड्स है लेक, टेक, लेक भी के एंड में आ गया, ले ए साउंड है, और टेक ये भी के ऑन द लाइन आएगा क्योंकि टे साउंड है। अभी थ्रू द लाइन वाला भी बताऊंगे। अशुक है तो इधर एक साल, शुक है तो कैसे लिखेंगे, शू थ्रू द लाइन करेक्ट है, ये ऑटोमेटिकली थ्रू द लाइन ही जाएगा। शौक है तो इसको शौक, एस एच ओ सी के, शॉक के लिए के अबो द लाइन रहेगा, शुभ के लिए थ्रू द लाइन ऑटोमेटिकली आएगा क्योंकि
एस एच पहले ही आ गया थ्रू द लाइन, ज्वाइंट स्ट्रोक के आ गया। और वर्ड्स है कूल, आपको जो डाउट है वो पहला लिखते हैं, कूल के लिए नीचे आ गया। आपने पूछा ऐसा क्यों नहीं लिखने का, ऐसा लिखा तो आप थर्ड प्लेस वॉवेल कहाँ देगा वो सोचना पड़ता है। केल है तो चलता है, फूल है तो यहाँ ही जाना है, ए प्लस उल होता है ना, बिफोर एल आएगा, कूली है तो इधर आएगा, के इधर से स्टार्ट होगा तभी स्टार्ट कर सकता है वॉवेल के साथ। और दूसरा वर्ड लुक वगैरह है तो लुक लिखा है नहीं, लुक है तो ऐसा, टुक है तो ऐसा। अभी देखो ऑटोमेटिकली टी थ्रू द लाइन आ गया। अभी आपको ये वर्ड सब समझ में आ गया, क्योंकि ये लिखने का टाइम इंग्लिश में आप लिख सकते हैं, एक एग्जांपल भी हो गया आपको, कैन कैन कैप पढ़ सकता है क्या नहीं पढ़ सकता है वो भी कर सकता है। और नेक्स्ट किंग है तो कैसा लिखने का, दोनों हॉरिजॉन्टल है, इसमें अबो द लाइन ऑन द लाइन थ्रू द लाइन कुछ भी जरूरत नहीं है। किंग के लिए इधर एक डॉट दिया तो आप पढ़ सकते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। आई एन जी इज द, अपने को समझने के लिए शुरुआत में डॉट्स के साथ ही पढ़ना पड़ता है, किंग हो गया। और कटक महिंद्रा नाम सुना होगा, इसमें देखो इतना इंटरेस्टिंग है, को टक गो साउंड था ट साउंड था, लेकिन के तो ऊपर गया और लास्ट के ऑन द लाइन में आ गया। क्यों ऑन द लाइन में आ गया, सेकंड प्लेस वॉवेल है, क्या ही खत्म हो गया, हो गया। और अभी तो आपको ये डाउट सॉल्व हो गया समझता है। सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई पॉड इज थ्रू द लाइन। अभी देखिए पॉड यही एग्जांपल पहला दूंगी, पी डी करेक्ट, ये पॉ फर्स्ट प्लेस आ गया करके हम लोग एबो द लाइन लिखा, बाद में डी ज्वाइंट किया। अभी पॉली, ये पॉल है पॉली है, ये भी दोनों स्ट्रोक ऊपर गया, ज्वाइंट से चालू होता है सेकंड वन, ये ज्वाइंट से चालू हुआ तो नीचे ऑटोमेटिकली आएगा पॉड। बॉडी है तो ये बॉड भी हो सकता है, बॉडी है तो बी एंड डार्क, देखो डी ऑटोमेटिकली आ गया, इसको ऊपर नहीं ले सकता है, दोनों स्ट्रेट डाउनवर्ड स्ट्रोक है। नाउ हियर एल इज अपवर्ड, सो आफ्टर पी एल स्टार्ट, वहां से स्टार्ट हो गया बॉट हो गया। वैसे बहुत वर्ड्स है, लॉक है, कॉर्ड है, बॉडी है, फैट है, बैग है, देखिए फैट है तो ऐसा लिखता है, क्यों टी ऊपर नहीं ले सकता है फैट के लिए, देखिए पै हो गया टी हो गया, पैच है तो चे नीचे आएगा ही, बिगिनिंग में क्या साउंड है वो हिसाब से चलने वाला है शॉर्ट रेन। पै आने से पै बोदल, टी आने से ज्वाइंट हो गया। फॉलो, फॉलो है तो ये ऊपर जाएगा, क्यों ऊपर जाएगा, एल इज अपवर्ड, मैं तो नीचे आता था। फियर है तो हम लोग क्या करता है, फी थ्रू द लाइन है, फियर ईयर हो गया, फियर ऐसा लिखता है हम लोग। फेर है तो फेर लिखता है, फार है तो फार लिखता है, और फेरी है तो ऐसा लिखता है, अपवर्डर री आता है ना, अपवर्डर लिखता है। वैसे वॉवेल के हिसाब से स्ट्रोक्स चलने वाला है। और भी वर्ड्स है एग्जाम्पल के लिए, कॉड है, गॉड है, कॉट है, ये देखो जीओडी कॉट ऐसा, जीओडी गॉड, इसमें क्या लिखना है आपको, लाइट एंड डार्क अपने को समझना है और आगे सेंटेंस क्या है, तभी ये वर्ड्स आपको इजीली मालूम पड़ेगा। देखो के अबो द लाइन आया था और टी ज्वाइंट नहीं कर सकता नीचे, अगर यहाँ अबो द लाइन लिख के ये भी गलत है, ये हम लोग थ्रू द लाइन के लिए यूज करता है। गुड, गुड कैसे लिखा था हम लोग, गुड बिफोर गुड डी आफ्टर डी वन वॉवेल इज डन, लेकिन शुरू कहाँ से हो गया, आधा आधा वर्ड ऊपर आधा वर्ड नीचे, ठीक है। और नेक्स्ट और भी बहुत वर्ड्स है, अब इसमें भी आपको कोई कोई नया वर्ड्स आ गया वो प्रैक्टिस कर सकता है। नॉक है तो ऐसा, मॉक है तो ऐसा, ठीक है, दोनों एबोदलन चला गया क्योंकि हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक है। अभी नॉक मॉक हो गया, मेक है तो ऐसा, नेक है तो, नेक है तो ऐसा, ये तो ऑन द लाइन रहेगा, ये और साउंड आ गया करके, ये मॉल है तो मॉल, मॉली है तो मिली है तो थ्रू द लाइन, देखो मी एम अभी थ्रू द लाइन आ गया, वैसे ही ये जॉइंट स्ट्रोक का यूज है। और शब्द हुड हेड ये भी लिख सकता है, ये देखिए हुड, हुड के लिए डैश आ गया, हेड के लिए डॉट आ गया, ये सब आपको प्रैक्टिस के बाद ही मालूम पड़ने वाला है। हीड के लिए थ्रू द लाइन आ गया, हुड के लिए डैश दिया, हीड के लिए
डॉट दिया। लास्ट में रीप चीप नेवी हिंदी ये हो गया रीप ऐसा। चीप है तो चे पी वॉवेल देने का टाइम सोचने का बिफोर पी है। ये देखिए पहले ही मैं बताया पी के बाद कुछ भी नहीं है। अगर आपने गलती से यहाँ दिया डाउट आके पढ़ के देखने का, पढ़ने से क्या होगा चीप ही हो गया। हम लोग को चाहिए चीप। ची थ्रू द लाइन लिखा इप साउंड बिफोर पी। रीप है तो इधर दिखाया हुड हेड सब वर्ड्स दिखाया है। मुझे लगता है अभी सबको डाउट्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट वर्ड नेवी वन वर्ड नेवी। आपने पूछा ऐसा क्यों नहीं लिखने का। ये ने सेकंड प्लेस ठीक है सिंगल स्ट्रोक के लिए। जब भी दो स्ट्रोक हो गया वी ऑल्सो टच ऑन द लाइन। ये नेवी ये हो गया नेवी। अभी थर्ड क्वेश्चन बताऊंगी। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई वी कैन नॉट यूज द स्ट्रोक डी एम बी फॉर द वर्ड डम। मैंने लिखने का टाइम कहा था डम बी साइलेंस है। अभी लिखिए आपने कहा ऐसा क्यों नहीं लिख सकता है। ये डम ब होता है। डम के लिए आगे का फ्यूचर एक्सरसाइज में एम डार्क हो गया तो डम होता है। फॉर एग्जाम्पल डी यू एम बी ठीक है ये हो गया डम। पढ़ने का टाइम बी साइलेंस ही लिखना चाहिए। ऐसे वर्ड्स और भी है लंब लंबी एल यू एम बी बहुत कम आता है वर्ड्स लेकिन ये भी एम डार्क लिखने से पहले स्ट्रोक्स में एम इज लाइट एन इज लाइट आई एन जी डार्क था। आगे का एक्सरसाइज में एम डार्क लिखा तो एम बी और एम पी साउंड होने वाला है। ए लंब हो गया। और एक वर्ड चुना था मैं जम्प या ऐसा लिखा तो जम हो गया। डार्क लिखा तो जम्प हो गया। और बहुत आगे एक और वर्ड आएगा एम्परर ये एमपी होने वाला है और ये ररा होने वाला है। ये अभी बता दिया तो आपको हेडेक आ जाएगा कितना टफ है करके। ऐसे ही बहुत जन बोलते हैं शॉर्ट एंड इज वेरी टफ। शॉर्ट एंड टफ नहीं है प्रैक्टिस करने के बाद सब इजी होगा। देखिए अभी डम ऐसा लिखा तो गलत है। डम बी साइलेंस लम बी साइलेंस जम्प बी साइलेंस एम्परर ये वर्ड डबल आर लिखा है र साउंड है एम्परर। एम्पायर है तो एम हो गया। एम्पायर को आगे सिंबल आने वाला है वो अभी तक सीखा नहीं है ऐसा आएगा एमपी ठीक है। और कुछ पूछना है तो बॉम्बे वन मोर वर्ड बॉम्बे ऐसे देखिएगा तो बॉम्बे ऐसा होता है लेकिन इन्होंने शॉर्ट फॉर्म में कैसा लिखा बॉम्बे इतना ही लिखा। समझ में आया। ये वर्ड्स भी आप पांच पांच लाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमारे एक और व्यूअर राज अभिषेक ने एक क्वेश्चन पूछा था अभी मैं उसका सॉल्यूशन बताती हूँ। एक्सरसाइज 8, 9, 10 सॉल्यूशन इसमें क्या हो गया बहुत ही वर्ड्स आ गया। ये वर्ड्स मैंने चॉइस करके जो आपको इजी होगा वो वर्ड्स मैं बताई थी प्रैक्टिस के लिए ओवल के साथ पा में भी सेंटेंस के साथ एक दिन और ये सेंटेंस बताया था पा में वी ये एक वीडियो में बताया। बाद में ऑल गो टू यहाँ मिक्स नहीं किया दैट पेन इज बताया दैट पेन इज बताया। बुक में क्या है पा पेन साथ में वर्ड्स दिया है लेकिन जो भी वर्ड्स है मैं प्रैक्टिस को दिया हुआ है। पा बोलने से अबो द लाइन मे सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस सब क्लियरली बताया। अभी नेक्स्ट वर्ड क्या दिखाया था ऑल गो टू याद है और नॉट मच गुड नॉट मच गुड ये आपको मालूम हैवी साउंड और ये लाइट साउंड ये दोनों बताया था आपको। अभी ये भी बताया आपको फर्स्ट प्लेस क्या होता है। सबको डाउट आएगा ही कोई भी एक्सपर्ट नहीं रहता है बिगिनिंग में बहुत डाउट्स आते हैं और बताती हूँ कि हो गया। देखिए अभी ऐसा बड़ा बड़ा स्ट्रोक्स करके मैंने लिख के दिखाया कैसा है ये फर्स्ट प्लेस ये सेकंड ये थर्ड। एल कहाँ से शुरू हुआ यहाँ से फर्स्ट सेकंड थर्ड साउंड भी फर्स्ट को ये आएगा सेकंड को ये आएगा थर्ड को ये आएगा। ये फर्स्ट मैं बताया था
अभी किसके पास बुक है और भी वर्ड्स है, आपको करने का इच्छा है तो कर सकता है। देखिए पा हो गया, मे हो गया, भी हो गया, सेवेंथ एट नाइन्थ एकदम जंप नहीं किया मैंने, जो जो वर्ड्स है सभी वर्ड्स इसके साथ एक एक दिन वीडियो में दिया हुआ है। अभी आपको ये सोचना है फर्स्ट सेकंड थर्ड, मैंने बताया फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड फर्स्ट प्लेस अबव द लाइन, सेकंड प्लेस ऑन द लाइन, थर्ड प्लेस थ्रू द लाइन। लेकिन हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक के लिए का के की ये नीचे नहीं जाएगा, सिंगल स्ट्रोक है तो, दो दो स्ट्रोक है तो ऑटोमेटिकली जाएगा। कूल कूली, गुड्डी बताया मैंने, अभी वो विद्या मैडम के लिए बताया था वही है। और ये हो गया फर्स्ट सेकंड थर्ड प्लेस, और क्या दिखाने का है, ये बुक में ऐसा दिखा है वन टू थर्ड कहाँ आएगा, वो कंफ्यूज है आप सबको। ये वन टू तो पक्का आ गया पा पे, और पी साउंड यहाँ जाता है, इसको त्री बोलते हैं। अगर के बाद ये स्ट्रोक्स के बाद कुछ वोवेल है तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता है, कहा ज्वाइंट स्ट्रोक है वहां थर्ड प्लेस वोवेल नहीं आएगा। अभी लोग कहे तो सबको डाउट है यहाँ क्यों लिखने का, एल थ्रू द लाइन, एल थ्रू द लाइन से शुरू किया, के ज्वाइंट किया, लेकिन वर्ड्स देख के पहचानने का बिफोर के आ गया। लुक अभी वैसे ही बहुत वर्ड्स है, एम के लिखा तो फर्स्ट प्लेस सेकंड प्लेस थर्ड प्लेस कहाँ जाएगा, इधर जाएगा। लोग को डाउट है यहाँ क्यों नहीं आएगा, यहाँ कभी आएगा कुछ वर्ड्स है तो, मंकी फॉर एग्जांपल, मन की या मन हो गया एक की हो गया, समझा। अभी आपने क्या करो, बिगिनिंग से जो वर्ड दिया उसको जरा रिपीट कीजिए, जो वर्ड नहीं आया, नहीं तो आपका मन का वर्ड लिख के इंग्लिश में लिख के शॉर्ट हैंड में ट्राई कीजिए, बाद में मेरा मैंने सिखा हुआ वर्ड्स को कॉपी कर लीजिए, तभी आपको सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। अच्छा कि आपने जो डाउट्स है कमेंट्स बॉक्स में डाला, आपको भी कंफर्म हो गया। अभी ऐसे ही नेक्स्ट टाइम भी कुछ भी डिफिकल्टी है तो बता दीजिए। आई होप मैंने आपके डाउट्स को क्लियर किया है, और प्लीज कीप ऑन प्रैक्टिसिंग, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना स्पीड बढ़ेगा और मेमोरी में बैठ जाएगा। एक दो लाइन करने से किसी को भी याद नहीं रहेगा, और आगे थोड़ा सा चेंज भी होते रहेगा, इसके लिए प्रैक्टिस करना भूलना नहीं है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कीजिए। इफ यू हैव मिस्ड माय प्रीवियस वीडियो प्लीज फाइंड द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू।